Production aims and application of ecology. ये हो गया जी पहला टॉपिक इकोलॉजी में है जी आपने कहा इसकी डेफिनेशन और एम्स क्या मकसद है इसका एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी. चलिए ये तो काफी सवाल था. उसके बाद है जी सॉइल है सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल फॉर्मेशन सॉइल टेक्सचर पीएच पीसी सॉइल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ठीक है जी. उसके बाद लाइट है फिर वाटर है वैन पॉल्यूशन बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन बहरहाल कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है. आज इकोलॉजी इकोलॉजी का तारुफ इसके एम और सारा कुछ स्टार्ट इकोलॉजी इकोलॉजी से आपके साथ अखबार करते हैं आपको तो बताएंगे जी आप मैं जो इकोलॉजी के बारे में जो डेफिनेशन पड़ी हुई है वो क्या है किसने बनाई थी किसी को नाम याद रहा हो एक्ल के स्पेलिंग आते हैं किसी को किसके सर हैकल अर्नस्ट हैकल पूरा नाम था जी अर्नस्ट हैकल. ये आई एम नॉट श्योर सर आते जी मैंने ई हैकल लिख दिया. अब हैकल इस वाले आपने चेक करके बताने हैं स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं अब लिखे हैं सर ठीक लिखे हैं शुक्र अगर मेरे स्पेलिंग ठीक हो गए क्योंकि स्पेलिंग के बारे में मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरे स्पेलिंग ठीक हो सकते हैं. खासतौर पर जब से आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपकी मिस्टेक को खुद निकाल लेते हैं ये मिस्टेक है लोगों के अपने स्पेलिंग गड़बड़ हो जाते हैं बराबर स्पेलिंग ठीक ही होनी चाहिए. अनसैकल वो पहला बंदा था जिसने पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. उसने ये लफ्ज़ जहाँ से निकाला इकॉस लोगोस आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं पहले से. इकॉस होम घर को कहते हैं और घर का मतलब रहने की जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं चूँकि जो डेफिनेशन पड़ी हुई है उसमें वर्डिंग यही थी कि जानदार चीज़ें जिस जगह पर रहती हैं. मैं दोनों साल में आए देता हूँ चार पहुँच कर सकती हैं और लैंड के तीन हिस्से बना दिए हैं ये माउंटेन है ये प्लेन एरिया है और ये वाटर है. अब तीनों ही जमीन के अंदर हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और हर वो जगह जहाँ भी जानदार चीज़ें रहती हैं प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम बनते हैं और सब कुछ है. अब ये भी हर जगह जानदारों का घर है जहाँ भी जानदार है. स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. इकोलॉजी के लिए आजकल जो नया लफ्ज़ आ रहा है आप लोगों ने आई एम श्योर एनवायरमेंटल इकोलॉजी का नाम आपको याद होगा. याद रखिए कि नाम के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. नाम के चेंज होने से या बंदे के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई चीज़ ना चेंज हो जाए. हमारे यहाँ चेंज कुछ ऐसी आती है जी कि पहले हुकूमत थी फर्ज कीजिए भुट्टो की उसके बाद जवाहरलाल आ गया उसके बाद बेनजीर आ गई फिर मुशर्रफ आ गया. आवाम को कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा फ़र्क उससे पड़ता है. यही कुछ यहाँ पे है. एक चीज़ का नाम इकोलॉजी था आपने इसका चेंज नाम चेंज करके एनवायरमेंटल इकोलॉजी रख क्या इससे कोई खास फर्क पड़ा टेक्निकल चीज़ें तो वही रहती हैं सेम. हाँ जी चूँकि उसको आप इकोलॉजी कहते हैं या उसी को आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बहरहाल ये अब ट्रेंड है जी आज इसका ये नाम किया जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. हालांकि नाम के चेंज करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी जगह पर वही किताबें हैं जो इकोलॉजी की थी वही किताबें हैं अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी में इस्तेमाल कर लेते हैं. चलिए ये रहा जी तारफ. अब चूँकि याद रखिएगा इकोलॉजी में हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट. अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स इनको प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं वो भी आते हैं. इसके अंदर एनिमल्स इनको हम कंज्यूमर्स का नाम देते हैं वो भी होते हैं. और यहीं पे डीकम्पोजर्स जो कि डीकम्पोज करते हैं सब चीज़ों को और ऑब्जेक्टिव में शामिल कर देते हैं. ये तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जिनको मुहिमी तौर पर हम बायोटिक फैक्टर्स का नाम देते हैं. और उसके मुकाबले पर जो बाहर जगह है उसमें सॉइल यानी मिट्टी मौजूद है यहाँ पे वाटर यानी पानी मौजूद है यहाँ पे एयर है बहुत से और फैक्टर्स हैं इस तरह की सारी चीज़ें जो कि बहुत सी हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स का नाम देते हैं. अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जिस जगह पर मिल के इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो जगह हैबिटेट कहलाती है. वो हैबिटेट बायोटिक और एबायोटिक ये सब चीज़ें मिल के जो सिस्टम बनता है उसको इकोसिस्टम और उसी की जो स्टडी है बाहर इकोलॉजी इंफेक्शन की स्टडी इकोलॉजी या एनवायरमेंट यह है इंफेक्शन
अब यहाँ पे हम इसको प्लांट इकोलॉजी, खाली इकोलॉजी के बजाय हम इसको अब प्लांट इकोलॉजी का नाम यूज करेंगे। उसकी रीजन कि चूंकि हमने स्पेसिफिकली इसको बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में भी इकोलॉजी शामिल है, आप लोगों ने चूंकि जूलॉजी नहीं पढ़नी है आगे फ्रॉम द फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड, तो बहरहाल ये आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें ज्यादा प्लांट्स के रेफरेंस से ही बातें होंगी। लेकिन याद रखिएगा कि चंद चीजों को छोड़ते हुए बेसिक प्रिंसिपल्स में कोई फर्क नहीं है। वो प्रिंसिपल जो एनिमल्स पे अप्लाई हो रहे हैं वो प्लांट्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं, जो प्लांट्स वाले हैं वो एनिमल पे भी, चंद जगहों में फर्क पड़ता है, चंद चीजों में फर्क पड़ता है। मसलन आपके सिलेबस में आखिरी जो चैप्टर्स हैं जिसमें एक आपने पॉपुलेशन और कम्युनिटी को स्टडी करना है, जब पौधों को स्टडी करना हो हमारे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसके थोड़े से मेथड कुछ फर्क हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आप एक नाम से वाकिफ होंगे, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने बता दिया कि आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब होगा कि आपने एफएससी में वाकई पढ़ा था, अदरवाइज क्या मतलब होगा। जहाँ पे इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो ये चैप्टर है आपका इकोलॉजी का, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी, और इसमें मेथड्स ऑफ सैंपलिंग बाय टिश्यू क्वाड्रेट एंड लाइन इंटरसेप्ट। जहाँ भी ये क्वाड्रेट और लाइन इंटरसेप्ट मेथड की जब आता है, ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में शामिल है मेरे हिसाब से, ये मेथड खासतौर पर जो क्वाड्रेट मेथड है हम इसको प्लांट की स्टडी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एनिमल की स्टडी में ज़्यादा कामयाब है। इसको मिसाल देने लगा, जो छोटे वाला क्वाड्रेट होता है हम लैब के मकसद से एक स्क्वायर फुट वाला या एक स्क्वायर मीटर वाला क्वाड्रेट, आपने प्लांट्स को स्टडी करना है, आप किस जगह पर आके खड़े हों मुंह प्लांट से अपोजिट साइड पे कर लें और अपने सर से पीछे की तरफ उस क्वाड्रेंट को छाल दें। मैं तस्वीर बना देता हूँ, ये गिवन एरिया है जिसको आपने स्टडी करना है, दिस इज लॉन्ग एरिया, इस एरिया में बहुत से प्लांट्स मौजूद और आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं। ये वो बंदा है जी, इसको मैन समझें आप, ये मैन है और इसका फेस इस तरफ है, एफ फेस, बंदे का फेस इस तरफ है, इसे अपने हाथ में क्वाड्रेंट पकड़ा है, ये क्वाड्रेंट है। अब असूल ये है कि आपने क्वाड्रेट को अपने सर से पीछे फेंकना है, पकड़े हाथ में और इसको यूं छालना है कि जबर से ये पीछे जाके यहाँ पे गिर गया इसको। अब आप वहाँ जाएंगे और जाके स्टडी कर रहे हैं, पौधे हरकत नहीं करते, हरकत तो कम पड़ चुके हो, इसलिए पौधों की स्टडी बहुत आसान। फर्ज के लिए हम पे कुछ चिड़ियाँ बैठी थी, कुछ परिंदे थे या कोई और जानवर थे, जब आप क्वाड्रेट फेंकेंगे उसको देख के वहाँ पर मौजूद वो एनिमल जो उड़ने वाले हैं उड़ जाएंगे, जो भागने वाले हैं उनके मौजूद, इसका मतलब है कि इस मेथड से आप इस तरह के एनिमल को स्टडी नहीं कर सकते। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो जी आप कुछ करना चाहते हैं। ये मेथड वाली बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, शुरू से भी समझ नहीं आई ये मेथड वाली चीज। ये सिलेबस का आखिरी, ये मैं सिर्फ डिफरेंस बयान करने लगा हूँ कि एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी में सिर्फ कहीं कहीं फर्क पड़ता है। ये चूंकि आपके प्रैक्टिकल में शामिल है, थ्योरी में भी शामिल है, प्रैक्टिकल में भी शामिल है, ये गिवन एरिया है जहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी सैंपलिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कितनी जगह पे कितने पौधे कौन से पौधे पाए जाते हैं, ये आपके हाथ में क्वाड्रेट है, दिस इज ए क्वाड्रेट। क्वाड्रेट लोहे का बना हुआ या किसी मेटल या लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता है, इट इज ए फ्रेम। अगर आप इसको वैसे स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो मेरे ही चैनल पे जो पहला चैनल है प्रोफेसर वाला, उस पे सर्च कीजिएगा क्वाड्रेट मेथड, उसके अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा। मैंने क्वाड्रेट ट्रिप फेंका है सबके सामने, बच्चों के सामने। अब उसमें रीज़न ये है कि वहाँ पे वो मिक्स था, उसमें दोनों चीज़ों की स्टडी शामिल है, प्लांट्स की और एनिमल। मैंने जो यहाँ मिसाल दी कि जब आप ये दोबारा देखिएगा कि बंदा ये प्लॉट है जहाँ पे आपने स्टडी करनी है, आपका मुँह प्लॉट की तरफ नहीं बल्कि प्लॉट से मुखालिफ साइड पे होगा, आपने इस क्वाड्रेट को अपने सर से पीछे प्लॉट में फेंकना है, यानी आपने इसको देख के नहीं फेंकना, बगैर देखे फेंकना। देखिए क्यों नहीं फेंकते, जिस तरह स्टॉप फेंकते हैं, जिस तरह जी जिस तरह स्टॉप फेंकते हैं, बिल्कुल जिस तरह स्टॉप फेंकते हैं, बिल्कुल उस तरह से फेंकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको स्टूडियो मिल जाएगा, जो मैंने पॉइंट आउट किया था, वो चांस चेक कर लीजिए। जब आप इसको फेंकेंगे कोई भी पौधा मूव नहीं कर सकता। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी थी या कोई और परिंदा बैठा था, आप जैसे स्टॉप की तरह से इसको पीछे फेंक देंगे तो जो उड़ने वाली चीजें वो डर के उड़ जाएंगी, ग्रास ऊपर है वो छांग मार के खा जाएगी। इसका मतलब है कि जो तेज हरकत करने वाले बड़े जानकार हैं, इस मेथड से आप उनको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स स्टडी बड़े आराम से या
ऐसे एनिमल जिनको पॉडेट के गिरने से फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे फर्स्ट कहें कोई मकड़ी बैठी हुई है, कुछ चोटियाँ बैठी हुई, वो मूव नहीं करेंगे, वो अपना काम वैसे चलती रहेंगी, वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो अगर नहीं वैसे हम तो कुछ और हो तो फॉर वहाँ से वहाँ करते हैं। अगर हमारा यहाँ मकसद सिर्फ प्लांट को स्टडी करना है, मैंने कॉर्डेट मेथड का तारुफ कराया है इकोलॉजी के रखने से कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं जानदारों को, पौधों को और एनिमल्स को इकोलॉजी के लिहाज करते हैं। ये जिस तारुफ था जो इकोलॉजी के रखने से किस तरह से स्टडी की जाती है जी। अब सवाल तारुफ तो हो गया हमारे इकोलॉजी के लिहाज से, फैक्टर का जिक्र हो गया। हेडिंग है एम्स, इकोलॉजी का मकसद क्या है, एम्स इसका मकसद क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हम ये स्टडी क्यों करते हैं। ज़माने कदीम में इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे करता रहा है, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। एक वो मुहावरा है गालिब उर्दू या पंजाबी का कि जब कोई चीज़ पर थी, आपने अगर आंवले खाए हैं, पंजाबी में आंवलों को ओले कहते हैं और भी कुछ चीज़ें इसमें, तो उसके असर का पता बाद में चलता है, फौरी तौर पर उसका असर सामने आता है, कुछ देर के बाद पता चलता है। क्या ये दुनिया की ज़िंदगी में भी और ये फिर वही इकोलॉजी के रेफरेंस से भी आ जाते हैं, जब भी कुछ काम हो रहा होता है उसके इफेक्ट बहुत अच्छे बाद सामने आते हैं कि हमारी सारी हिस्ट्री इस चीज़ से भरी पड़ी हुई है। फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है वो यहाँ पे सुनो। फिर मिसाल के तौर पर मैं दोबारा अपने ही इलाके की बात कर रहा हूँ, शिवपुरा के शहर की बात करने लगा हूँ, इस पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ। जहांगीर तकरीबन 500 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली दैट फिगर आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जहांगीर को ये इलाका पसंद आ गया। उसने जहाँ पे शिवपुरा किला आपने देखा ही होगा, ये बिल्कुल जंगल था, इसने जहाँ पे किला बनवाया और इससे 5 किलोमीटर के पास पे उसने हर उतार दरम्यान में रास्ता। अब उस किला बनने की वजह से आसपास जो लोग होते हैं मुलाजम भाई भाई वो रहना शुरू कर देते हैं, वो एक छोटा सा शहर बनना शुरू हो गया जो पुराना शहर के नाम से शुरू मारूफ है, शिवपुरा का पुराना शहर। मैंने अपने बचपन से बहुत छोटे से यानी जब बच्चों को कुछ कम होते उस दौर से शिवपुरा को देख रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जो कचहरी है बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें थी, पुरानी बिल्डिंग ऐसी जो थी डिस्ट्रिक्ट की जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, 1922 में जो डी सी ऑफिस है ये बिल्डिंग मौजूद थी, इसके आसपास और चीज़ें कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। शहर जो मेन रोड है वो बहुत चौड़ी थी और ट्रैफिक बहुत थोड़ी थी, गाड़ियाँ ना होने गाड़ियाँ होती नहीं थी, जिनमें कुछ 4-5 बसेस गुजरती होती थी यहाँ से, जो लाहौर से सरगोधा से लाहौर आती होती थी, ट्रेन भी गुजरती थी दिन में 2-3। टाइम के साथ साथ चेंजेस आना शुरू हुए और वो चेंजेस क्या है, हाँ ये तो मैंने अभी हम बचपन का जिक्र कर दिया, जिससे पीछे जाते हैं वापस। 500 साल पहले की जगह जंगल, जब लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने कुछ जंगलों को काटा और लहर वहाँ पे किला बन गया, एक जगह पे मरमार बन गया और बाकी जगह पे लोगों ने अपने रहने के घर बना लिए, उसके बाद रास्ते बनना शुरू हुए। अगला स्टेप जंगलों को काट के वहाँ पे खेत बनना शुरू हुए। शिवपुरा से लाहौर तक बिल्कुल ऐसे ही हुआ, यहाँ पे सारे के सारे खेत होते, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ जगहों को प्रेफर की जगह पे एक पेट्रोल पम्प बन गया, समझते हैं पेट्रोल पम्प क्या होता है, पेट्रोल पम्प के साथ ही वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बन गई, वहाँ पे 2-4 लोगों ने खोखे लगा लिए, आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बढ़ाना शुरू हुआ और एक जगह पर नहीं कई जगह पर ऐसा हुआ और रास्ते में बहुत सी जगह जो यहाँ वाला मोड़ खाली होता था, खानपुर बिल्कुल खाली होता था और ऐसे ही आगे जैसे भी आग जाते जाते यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब दो चीज़ें आना शुरू हुई, पहले तो ये पेट्रोल पम्प टाइप चीज़ें आना शुरू हुई, अगले स्टेप पे यहाँ पे फिर फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, 60s और 70s पर लगना शुरू हुआ प्रोसेस। और अब सूरत हाल ये है कि शेखपुर से लाहौर दरमियान में कोई जगह पर खाली नहीं, वो जगह जो इस्तेमाल हो रही थी ज़रई जमीन के तौर पर, वहाँ पर फैक्ट्रीज और पोल्यूशन और इंसानों की बात है। शिवपुरा सिटी गंग रोड का पूरा इलाका 1980 में गंग रोड जो कि अब इंसानों का एक जंगल बन चुका है,
ये बिल्कुल खाली था यहाँ पे खेत होते स्टेडियम खाद की पैदावार में और ऐसे ही बाकी जैसे एशिया पर बहुत छोटे से बहुत बड़ा शहर बन चुका है और जहर के लिए इकोसिस्टम की कुर्बानी देकर बना मोटरवे आपके सामने बने आपने मोटरवे का नाम सुना है और क्या देखिएगा मोटरवे के बहुत से फायदे हैं लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से जानदारों को एनिमल्स को इससे बहुत सारा नुकसान हो गया और अभी भी हो रहा है और मजीद होता रहे ऐसे ही जब हम कुछ डैम बनाते हैं मैं खुद डैम बनाने के हक में हूँ डैम बनने चाहिए लेकिन जब डैम बनता है तो उससे भी एनवायरनमेंट को इकोसिस्टम को जानदारों को बहुत सारा नुकसान लेकिन वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि किस चीज़ के फायदे कितने हैं नुकसान कितने हैं हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर किसी के नुकसान ज़्यादा हों तो फिर वो नहीं बनानी चाहिए अगर फायदे ज़्यादा हों तो वो बनानी चाहिए ऐसी चीज़ों पर सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए जैसे हमारे यहाँ काला बाग्राम की सियासत करते हैं एक बहुत अहम मनसूबे को कौमी मनसूबे को सियासत की नज़र कर दिया गया जहाँ भी छोटा सा डैम बन सकता है वो छोटा भी बना देना चाहिए जहाँ बड़ा डैम बनता है वहाँ बड़ा बड़ा बनाना चाहिए लेकिन जो ऐसे काम है जैसे जंगल का काम अब गौर कीजिए वो फैक्ट्रियाँ जो आपने ज़रे ज़मीनों पे लगा दी हैं ये आपने गलत किया है फैक्ट्री आप पहाड़ी इलाकों में लगा सकते थे फैक्ट्री आप सहराई इलाकों में लगा सकते थे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ पॉसिबल थी वहाँ पे आबादियाँ बनाई जा सकती थी पॉसिबल था उसके फ़ायदे ज़्यादा थे नुकसान कम थे यहाँ पे फैक्ट्री बनाने से बेशक फ़ायदे हुए लेकिन नुकसान ये हुआ है कि नाम है पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है लेकिन हम अपनी ज़रिए ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी एराजी को ज़ाया कर दिया है गलत इस्तेमाल कर दिया टॉपिक बहुत लंबा है जी इस लिहाज से और उसको हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते इसकी एप्लीकेशन अभी रहती हैं तो मैंने सब चंद चीज़ों का बता रखा है डैम के हवाले से एक चीज़ मुझे याद आ गई त्रिबेला डैम आप लोगों ने त्रिबेला डैम का नाम सुना है एप्लीकेशन की बात हो रही है याद रखिए कि टाइम के साथ साथ चीज़ों की इंजीनियरिंग चेंज होती रहती है डैम बनाते वक्त कुछ चीज़ों को अगर सामने ना रखा गया और जो पुराने डैम्स हैं उनमें ये खामियाँ मौजूद थी उनमें सिल्टिंग हो रही सिल्टिंग की दो वजूहत होती हैं एक ये डैम है जो फर्ज की थी आपका डैम है जो यहाँ से आपका पानी बाहर निकलता है नीचे गिरता है और यहाँ पर वो टर्बाइंस हैं और वो टर्बाइन जो होती हैं यहाँ जाती हैं और यही पानी आगे चला जाता है नहरों में या ये बेसिक एक तरीका है डैम बनाने अब हमारे यहाँ जो डैम है ला रही है दरिया पीछे दरिया आ रहा है जहाँ भी डैम बना रहे हैं इसके आसपास बहुत सी प्लांटेशन मौजूद होती है हमारे यहाँ क्या हुआ लोगों ने दरख्त काटना शुरू किया इन दरख्तों को कटने से जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी का कटाव होता है सॉइल इरोजन वो इरोजन पानी में और वो पानी मिट्टी के साथ आके इस डैम में जमा होता है अब अगर डैम आपने यूँ बनाया हुआ है ये डैम है आपका ये नीचे ग्राउंड है ये सामने वॉल है अगर इसमें सिर्फ पानी स्टोर हो रहा है आपके खास लेवल से पानी निकालते हैं तो यहाँ पर मिट्टी जमाना शुरू हो जाएगी और जब मिट्टी जमा हो जाएगी ये नीचे मिट्टी जमा हो जाएगी तो आखिर उससे बहुत से जो है नुकसान होंगे जिसका जिक्र अभी बाद में किया जाएगा कि ये क्या होगा ये है जी अब अगर यहाँ पे नीछे स्पिल वे छोड़ दिया जाए ये लफ्ज़ आपके लिए नया होगा एक ऐसा रास्ता जहाँ से पानी को आप खास हालात में निकाल सकते हैं जब जरूरत हो तो उसके साथ वो सारी मिट्टी बह के आगे जा सकते लेकिन पुराने डैम्स में ऐसा नहीं किया गया दस मिट्टी में देगा अगर ये रख दिए जाते हैं स्पिल वे यहाँ पे मौजूद होता है तो ये मिट्टी जो है इसके साथ फ्लो कर जाती है लेकिन अब हमारे बहुत से डैम सिल्टिंग की वजह से चोक हो गए बंद हो गए हैं और नाकारा हो चुके जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं अदरवाइज सर क्वाड्रेट मेथड की थोड़ी थोड़ी समझ आई है पर क्वाड्रेट का पता ही नहीं चला वो क्या है किसी का नहीं समझ क्वाड्रेट का पता चला आप एक बार ऐसे कीजिएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने कही है चैनल से तो फिर उसके बाद कल क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है जी एक मिनट रह गया मेरा कल में बंद होने में इसको तो फिर इंशाल्लाह कल इसको इस हिसाब से करें